टिकट कितने के भैया? 44 तो का 48 कैसे हो दोस्तों? तो अभी हम पहुंच चुके हैं फेरीनाग मुगल गार्डन, काफ़ी अच्छा गार्डन है। इसकी टिकट्स की जो मैंने बात की तो बच्चों की 12 रुपए की है और बड़ों की एडल्ट्स की 24 रुपए की है, 12 और 24। और काफ़ी अच्छा गार्डन है। और जैसे टिकट काउंटर पे इन्होंने मुझे बताया कि ये जो है झेलम नदी यहीं से स्टार्ट होती है। तो चलो देखते हैं इस पूरे गार्डन को और करते हैं एक अच्छी सी विजिट। वीडियो अच्छा अगर लगे तो लास्ट में सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपने बाग देखा, वेरीना गार्डन जो देखा है, देखने के बाद एक ही बात मन में आती है और वो है गर फिरदौस बढ़ रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। मतलब अगर ज़मीन पे कहीं भी अगर जन्नत है तो यही है, यही है और यही है। ये वेरीना जो जगह का नाम है, दरअसल ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है और जब आप जम्मू डिवीज़न से कश्मीर डिवीज़न में आते हैं तो सबसे पहला पिकनिक स्पॉट आपको यही मिलेगा। और वैसे बहुत से लोगों को नहीं मालूम है ये कहाँ पर है,
लगभग 90% जो टूरिस्ट है इसे देखे बगैर यहाँ से चले जाते हैं। तो ये जब आप जो नई टनल बनी है बानिहाल काजीकुंड उससे आप निकलेंगे, जैसे ही टनल से कश्मीर डिवीज़न में एंटर करेंगे तो उससे राइट साइड में तकरीबन 9-10 किलोमीटर उससे है, या फिर अगर आप देखें जो पुरानी जो टनल हुआ करती थी जवाहर टनल उससे तकरीबन 7 किलोमीटर है। तो जैसे ही आप एंटर होंगे कश्मीर डिवीज़न में आप राइट साइड इसका जो है मैप में लगा के जा सकते हैं, मैप में ये यूज़ करके। और इसका मैं मैप भी लास्ट में आपको डाल देता हूँ वीडियो के लास्ट में। और पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ कि जहांगीर जो मुग़ल बादशाह थे उन्होंने 1620 में इसका निर्माण या कंस्ट्रक्शन चालू करवाया था, 1627 में उनका इंतकाल हो गया था, उसके बाद में जो उनके बेटे शाहजहाँ ने इसे कम्प्लीट करवाया था। वैसे जहांगीर बादशाह की ये ख्वाहिश थी कि जब वो मर जाएँ इंतकाल करें तो उनको यहीं पर दफन किया जाए, लेकिन ये पॉसिबल ना हो सका क्योंकि जब उनका इंतकाल हुआ तो उस टाइम वो जो है लाहौर, आज जो पाकिस्तान में है, तो वहाँ थे और उसी के एरिया के आसपास उनको दफन किया गया। कहते हैं कि वो जगह का नाम सात दर्रा बाग है। तो उनकी ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन आप मेरी ख्वाहिश पूरी ज़रूर करें, वीडियो को जो है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और वैसे इसके पास में दो जगह और है, अचबल और कोकरनाग, वो भी आप विजिट कर सकते हैं।